महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काटकर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी वो उसे काट कर ले गए। ये इतना बड़ा संदेश है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा होना चाहिए। आजम खान ने जिस प्रकार से बयान दिया है और कहा है कि भारतीय आर्मी कश्मीर में जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनके आबरू से छेड़खानी कर रही है और इसी के कारण पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे भारतीय जवानों के शरीर को क्षत विक्षत करते हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि आजम खान जैसे लोगों की मानसिकता कितनी विकृत है, कितनी छोटी है।